इश्क ना मजहब की दीवार मानता है ना ही सीमाओं की बंदिश। तभी तो पाकिस्तान की एक महिला तमाम दुश्वारियां झेलते हुए अपने प्रेमी से मिलने भारत चली आई। पहले सीमा गुलाम हैदर नेपाल गई और फिर वहां से दिल्ली आई। उसके बाद ग्रेटर नोएडा के रबूपुर पहुंची और वो भी अकेले नहीं, चार चार बच्चों को लेकर। पुलिस को जब इनकी जानकारी मिली तो पुलिस ने सीमा और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों जेल से बाहर आ चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि पबजी के जरिए दोनों संपर्क में आए थे और दोनों का प्यार तभी परवान चढ़ा था। और अब फिलहाल ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि प्रेमी संग वो अब रिहा हो चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तार किया था दोनों को, पाकिस्तान से आई थी सीमा गुलाम हैदर। तो न्यूज 18 से खास बातचीत में सीमा ने पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत आने की पूरी कहानी बताई। सीमा का कहना है कि बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान उसे अपने बच्चों के हिंदू नाम बताए थे। सीमा ने कहा कि वो अपने बच्चों के साथ भारत में रहना चाहती है। सीमा ने आशंका जताई है कि अगर उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा तो मुझे मार दिया जाएगा। उसने अपने बच्चों के साथ हिंदू धर्म अपना ली और हिंदू रीति रिवाज से अपने प्रेमी से शादी करने की इच्छा जताई है। काठमांडू में पहले तो मेरे पासपोर्ट ही ना थे, मेरे पासपोर्ट इस इधर ही आने के लिए बनवाए थे। मेरा पासपोर्ट का कुछ भी नहीं था, फिर आईडी कार्ड भी पापा के नाम से था। इतनी मुश्किलों से तो मैंने बनवाए थे ये सब। अगर मैं वापस गई मैं रह न पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना चाहती। और आप लोग मुझे भेजिएगा मत, आप लोग जहाँ रखोगे जैसे रखोगे मैं रह लूंगी, मुझे वापस ना भेजा जाए। और हैदर की बातों को इग्नोर मारा जाए, वो सिर्फ बकवास कर रहा है, झूठ कह रहा है वो। आपको शायद लग नहीं रहा पर वो झूठ ही बोले जा रहा है। वो कोई भी वो भारतवासी से प्यार नहीं करते, वो ऐसे ड्रामा कर रहा है सिर्फ मुझे वापस लाने के लिए। अगर वापस नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अगर किसी ने भेजा फिर आप सब देखोगे कि मेरे साथ क्या होता है। मैं किसी को नजर भी नहीं आऊंगी इनके गाँव में। कोई हमारे इनका जो गाँव है ना जेकमाबाद, ये मैंने लिखवाया है। मौर्य मनीष दुबे के अफेयर की चर्चाएं सोशल मीडिया पर